all of you to Shivaji group of students online classes. Okay, so today I am going to teach you the chapter number 15. Take out your books. अपने books निकाल लीजिए student और ध्यान दीजिए. मैंने already आपको exercises provide करा दी हैं. ठीक है? अब आपको क्या करना है? इस video के basis पे आपको books की reading समझनी है. ठीक है? आपका chapter number है our industry 15. Chapter number 15 our industry. ठीक है? Have you ever wondered where do the gloss that you wear or the sugar that you add to your milk come from? आपको मालूम है ये जो कपड़े आप पहनते हो ये सब कहाँ से आते हैं? ठीक है? These are the made in the factory. ये कहाँ बनते हैं बच्चों? फैक्ट्री बन गए. ठीक है? When natural resources are transformed into the more productive useful product with the help of human labor or machine, the process called manufacturing or industry. क्या कह रहा था? इंडस्ट्री. तो डेफिनेशन जरूर याद रखिए. ठीक है? The basic material used in the process of the manufacturing finished product are called as क्या कहते हैं? Raw material. क्या कहते बच्चों? Raw material. और raw material होता क्या है बच्चों? Raw material होता है जैसे आपका product है कुछ बनाना है तो उसको बनाने के लिए जो छोटे छोटे अलग अलग products होते हैं सब products उनको कहते हैं रॉ मटेरियल. अब जैसे कि आपको आयरन स्टील है आयरन ओर की जरूरत पड़ेगी किसकी पड़ेगी आयरन ओर इज द रॉ मटेरियल फॉर द आयरन स्टील इंडस्ट्री और सुगर केन है उसकी जरूरत पड़ेगी किसके सुगर इंडस्ट्री के लिए. ठीक है? इसीलिए आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज होती है. जैसे सबसे पहले आपकी इंडस्ट्री बुक में ध्यान दीजिए बच्चों क्या लिखा है कॉटन इंडस्ट्री. क्या लिखा है कॉटन इंडस्ट्री. दीज इंडस्ट्रीज आर वेरी स्मॉल एंड आर सेट अप बाय द पीपल लोगों के द्वारा सेट अप होती है इन देयर ओन होम्स एंड रिक्वायर वेरी फ्यू वर्कर्स. इसमें और कम वर्कर्स भी लगते हैं. ठीक है? दे नॉर्मली यूज लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल. किसका यूज करते हैं रॉ मटेरियल का यूज करते हैं. जैसे मशीन्स आर नॉट रिक्वायर्ड ओनली सिंपल टूल्स आर यूज. एग्जाम्पल जैसे प्रोडक्ट्स मेड बाय कॉटन इंडस्ट्रीज. इससे बोलते हैं कॉटन इंडस्ट्रीज से हैंडीक्राफ्ट सच एज जैसे शॉल्स बनते हैं. ठीक है? सिल्क साड़ी से बनते हैं. किससे सिल्क साड़ी पॉटरी हैंडलूम्स एक्सेट्रा. तो ये सारे आपको मटेरियल्स. ठीक है? नेक्स्ट है आपकी स्मॉल स्केल. क्या है बच्चों स्मॉल स्केल. दीज आर द स्मॉल स्केल व्हिच यूज द मशीन्स हैंडल्ड बाय मोर पीपल देन कॉटन. ठीक है? तो ये छोटी इंडस्ट्री होती है. क्या होती है छोटी इंडस्ट्री होती है. इसमें क्या आपको लगता है इलेक्ट्रिकल प्लास्टिक बोर्ड्स फर्नीचर हैंडल ग्लास यूटेंसिल्स. ठीक है? और लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होती है बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है. इसमें क्या बड़े बड़े जैसे आपकी मशीन्स का यूज किया जाता है. जैसे इसमें क्या होगा यूज क्वांटिटी कॉटन आयरन ऑटोमोबाइल आर एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. किसका एग्जाम्पल होता है बच्चों लार्ज स्केल का इंडस्ट्री का होता है सच इंडस्ट्री मींस अ यूज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. इसमें क्या होता है रॉ मटेरियल की बहुत जरूरत पड़ती है. दे आल्सो रिक्वायर डिफरेंट सोर्स ऑफ पावर. इसमें अलग अलग डिफरेंट सोर्स ऑफ पावर की भी जरूरत पड़ती है टू रन द मशीन एंड अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए यूज करते हैं. ठीक है? इसीलिए लोकेटेड कहाँ होते हैं नियर बिग सिटी बड़े बड़े शहरों के पास. अब इसमें कॉटन टेक्सटाइल क्या है वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर प्रोडक्शन ऑफ द टेक्सटाइल ओवर 2500 माइल्स. जैसे कि इसके मेन इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए कि इसके सेंटर कहाँ जैसे आपके मुंबई कोलकाता कानपुर. कौन कौन सा मुंबई कोलकाता कानपुर. ठीक है? बैंगलोर चेन्नई कोयम्बटूर पानीपत. ठीक है? नेक्स्ट बच्चों है आपके सिल्क इंडस्ट्री. इसके लिए आपको याद रखना सेंटर वूलन इंडस्ट्री टेक्सटाइल. नेक्स्ट है आपका आयरन स्टील प्लांट. नेक्स्ट है आपका जून मिल्स. तो इसमें आपको क्या करना है इनके केवल सेंटर याद करना है. क्या आपको करना है सेंटर. जैसे कि आपकी सिल्क टेक्सटाइल है जैसे बैंगलोर या मैसूर ये इंपॉर्टेंट है. वूलन में क्या आपका इंपॉर्टेंट है जैसे अमृतसर लुधियाना पानीपत ये वूलन इंपॉर्टेंट है. और आयरन में क्या इंपॉर्टेंट है जैसे जमशेदपुर दुर्गापुर. ठीक है? ये लोअर केला ये आपके विशाखापट्टनम. ये क्या आयरन स्टील इंपॉर्टेंट है. और जूट मिल्स में क्या है मोस्ट ऑफ द जूट मिल लोकेटेड इन अराउंड कोलकाता. ज्यादातर आपकी जो जूट की मिल्स होती है वो कोलकाता के पास पाई जाती है. कहाँ पाई जाती है कोलकाता का. क्योंकि वहाँ क्या होता है वहाँ दिस इज बिकॉज द सॉयल ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द वेस्ट बंगाल आर वेल सुटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट. जूट के लिए बहुत फायदेमंद होता है. और मेन सेंटर जो कोलकाता के हैं हावड़ा और रहती है. ठीक है? इसी के बाद आपको सुगर मिल्स तैयार करनी है रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्री भी तैयार करनी है. सुगर मिल्स आपकी कहाँ पर है इंडिया में सेकंड नंबर पे याद रखिएगा. ठीक है? ये आपकी लोकेटेड है सुगर मिल्स जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में. ठीक है? उसके साथ साथ रेलवे इंडस्ट्रीज भी है. ठीक है? लोकेटेड आपके हाँ चितरंजन में वाराणसी में कोलकाता में. ठीक है स्टूडेंट? ओके ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज. इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और शिप बिल्डिंग और पेपर इंडस्ट्री. अब स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग. देखिए एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग जो है इसे तो भारत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और पेपर इंडस्ट्री में पेपर क्या है आपका जो बनता है फूड और पल्प बोर्ड से बनता है. ठीक है? और लीडिंग स्टेट इसमें कौन आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और तेलंगाना है. ठीक है? और न्यूज पेपर जो न्यूज प्लांट है तेलंगाना फर्स्ट
और नेक्स्ट आपका एयरटेल आरमेड गवर्नमेंट ओन फैक्ट्रीज बैंगलोर लखनऊ नासिक हैदराबाद ठीक है इनकी खुद की इंडस्ट्रीज होती है इंडिया में ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन द इंडस्ट्रीज आर इंडिपेंडेंट दिस इंडस्ट्री आर ग्रोइंग रैपिडली बहुत तेजी से बढ़ रही है ठीक है और ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू द इंडस्ट्रीज और प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द थाउजेंड्स ऑफ पीपल और काफी हजारों लोगों को क्या एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करा रहे हैं तो स्टूडेंट आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सारी इंडस्ट्रीज आपको पढ़नी है इसमें जैसे स्मॉल स्केल लार्ज स्केल तो उसके साथ साथ जो सब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनके सेंटर जरूर याद कर लीजिए क्या याद कर लीजिए सेंटर्स वो जो सेंटर्स बने हुए हैं मैंने आपको जो बारे पढ़ाया वो सेंटर्स कौन से इंपॉर्टेंट है आपको जरूर वो लर्न करना है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल फॉर एग्जामिनेशन ओके और वो आपको क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने जो मैं आपको प्रोवाइड कराए हैं ऑलरेडी ठीक है इसके साथ साथ आपको मैंने आपको एक्सरसाइज भी करवा दी ठीक है तो वो आपको लर्न करनी एग्जाम वही सेंशियल आपके ठीक है इतना प्रिपेयर करके रखिए बच्चों दैट इज वेरी सेंशियल फॉर योर एग्जामिनेशन